हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंकाल मांसपेशियों के उद्गम और निवेशन के बारे में, यानी कंकाल मांसपेशियों का उद्गम और निवेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मांसपेशियां जो है दो स्थानों से जुड़ी हुई होती हैं, जिसको एक स्थान को उद्गम बोलते हैं और दूसरे स्थान को निवेशन बोलते हैं। उद्गम वह सिरा होता है जो संकुचन के दौरान स्थिर रहता है। क्या होता है, जब ध्यान से सुनिएगा, कब, जब हम मांसपेशी का संकुचन करते हैं या मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम हमारा जो मांसपेशी होता है, जिस स्थान पर वह स्थिर रहता है, उसको क्या कहते हैं, उद्गम बोलते हैं, यानी अस्थि जिस स्थान पर जुड़ी रहती है मांसपेशी से, ठीक है। और निवेशन किसको बोलते हैं, निवेशन उसको बोलते हैं जहां मांसपेशी पहुंचती है। कोई भी चीज होगा, एक शुरुआती होगा, एक अंतिम बिंदु होगा। तो शुरुआत जहां से होता है, जहां पे संकुचन के दौरान स्थिर रहता है या जिससे स्थान से अस्थि से जुड़ी रहती है, उसको उद्गम बोलते हैं। और निवेशन जहां पे पेशी पहुंचती है, अर्थात इससे जहां पे गति होती है, यानी गतिशील स्थान जहाँ पे होता है, उसको निवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे उद्गम और निवेशन में दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या, किस क्रिया के दौरान, जब हम मांसपेशी को संकुचन करते हैं, उस टाइम पर मांसपेशी जहाँ पे स्थिर रहती है उसको क्या कहते हैं, उद्गम बोलते हैं, ठीक है। जब संकुचन के समय मांसपेशी जहाँ पे स्थिर रहेगी उसको उद्गम कहेंगे, और जहाँ पे गति करेगी उसको निवेशन बोलेंगे। तो स्थिर और गति याद कर लीजिए, उद्गम निवेशन स्थिर गति, ठीक है। उद्गम में क्या होता है, जब संकुचन के दौरान मांसपेशी जहां पे स्थिर रहती है यानी फिक्स रहती है, उसको उद्गम बोलते हैं। और निवेशन में क्या होता है, मांसपेशी जहां पे गति करती है उसको निवेशन बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि कार्य करने पर उद्गम और निवेशन बिंदुओं के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं, उस दौरान उद्गम निवेशन का बिंदु जो है वो परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है, क्योंकि जब हम ऊपरी बाह की जो बाइसेप्स मांसपेशी है उसका उद्गम और निवेशन कहाँ है, साधारण स्थिति में उद्गम उसका है स्केपुला यानी कंधे के पास। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कंधे के पास फिक्स है, वहां पे स्थिर है, तो उद्गम क्या हुआ, स्केपुला के पास। और निवेशन कहाँ हुआ, रेडियस हड्डी के पास, कोहनी के पास का निवेशन हुआ यानी समाप्त हुआ। यहाँ पे गति हो रही है, तो जहाँ पे गति होगी वहां निवेशन होगा, जहाँ पे स्थिर होगा वहां उद्गम होगा। तो इसको पुलस के अभ्यास के से एग्जांपल थ्रू हम समझाते हैं। जब हम पुलस करते हैं तो उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक इसमें उद्गम अनिवेशन का, मांसपेशी के उद्गम अनिवेशन का स्थान परिवर्तन होता है। कैसे होता है कि पुलस में जब हम लटकते हैं, तो लटकते टाइम हमारा गति कहाँ पे हो रहा है, लटकते टाइम गति कहाँ पे हो रहा है, लटकते टाइम गति जो है रेडियस हड्डी के पास हो रहा है, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे स्थिर है, जहाँ पे गति नहीं हो रहा है, यानी स्केपुला के पास कोई गति नहीं हो रहा है, तो हमारा उद्गम कहाँ हुआ, स्केपुला के पास लटकते टाइम, ठीक है। और निवेशन कहाँ हुआ, रेडियस हड्डी के पास, ठीक है, रेडियस के पास। तो बाइसेप्स मांसपेशी का उद्गम पुलस को लटकते समय इसके पुला के पास, अनिवेशन रेडियस के पास, क्योंकि निवेशन के पास रेडियस के पास गति हो रही है। और दूसरी स्थिति में जब शरीर ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं लटकने के बाद, हम क्या करते हैं पुलस में, ऊपर नीचे करते हैं, तो ऊपर जब अपने शरीर को खींचने लगते हैं उस टाइम पर हमारा गति मांसपेशी के कौन सा हिस्सा गति कर रहा है, कंधे जो है, कंधे वाला भाग जो है वो गति कर रहा है। इस समय जिस समय हम अपने शरीर को ऊपर उठा रहे हैं, उस समय कंधे वाला भाग जो है गति करने लगा। तो जहां पे गति होगा वो निवेशन होगा, जहां पे स्थिर होगा वहां पे क्या होगा, उद्गम होगा। तो रेडियस के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस के पास का सिरा जो है स्थिर है, और निवेशन जहाँ पे यानी कि इसके पुला एक गति है, गतिशील है, क्योंकि इसी के सहारे हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पुला का सिरा निवेशन
और रेडियस का सिरा उद्गम। तो उद्गम और निवेशन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए कि उद्गम और निवेशन कंकाल मांसपेशी में कैसे होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में मैं मांसपेशी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगी, जिसमें 100-150 क्वेश्चन शामिल होगा एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।